जम्मू कश्मीर में LOC के पास आतंकी हमले की एक खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना के लिए काम कर रहे 2 मजदूरों की भी मौत हुई है। वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि LOC के पास बोटा पत्थर गुलमर्ग के नागिन पोस्ट इलाके के पास सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है, हालांकि सेना की ओर से पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों का कहना है कि यह घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के गंदरबाल जिले में एक मजदूर पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। घायल मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रीतम के रूप में हुई है। वहीं इस हमले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बारामूला में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूं और गहरा दुख हुआ, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करती हूं और घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करती हूं। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि एक हमला हुआ है आर्मी कन्वाय पे, जिसमें 4 जवान जो है जख्मी बताए जाते हैं, एक सिविलियन पोर्टर जो है वो शहीद हुआ है। ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है, सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनको नाकाम करना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार और यूटी की सरकार को कहेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है और बने। हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है और चुनौती है, जिसके खिलाफ मुकम्मल जो है वो एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी बैठ करके बिठा करके इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के सख्त और सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए। इस तरह की वारदातें नाकाबले बर्दाश्त हैं और सख्त चुनौती देनी चाहिए। आतंकवाद हो, उनके आका हैं पाकिस्तान में जो भी है, तो एक सख्त जो है वो मैसेज जाना चाहिए और स्ट्रेटजी बननी चाहिए कि आम लोग सुरक्षित महसूस करें। आपको बता दें कि आज के दिन ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बट्टागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बता दें कि कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाली तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के मजदूर कश्मीर में सेब के बगीचों और इसकी पैकिंग में काम करते हैं। निर्माण कंपनियों के विभिन्न प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में स्थानीय स्तर पर फल सब्जी बेचने वालों में भी इनकी बड़ी संख्या है। रेलवे की योजनाओं में भी इन मजदूरों से काम लिया जाता है।